गोरखपुर में नगर निगम खिचड़ी मेले को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की ओर से खिचड़ी मेले में पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पॉलीथीन को कूड़ेदान में फेंक दिया और वेंडिंग मशीन से 10 रुपए में कपड़े के थैले खरीदे। वहीं नगर निगम की टीम गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में साफ सफाई में मुस्तैद रही। खिचड़ी मेले के दौरान नियमित सफाई के लिए मंदिर परिसर में 213 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कहीं जागरूक लोगों ने मेला परिसर में नगर निगम के स्टॉल पर लगे वेंडिंग मशीन से 10 रुपए का शुल्क चुकाकर झोला भी लिया। साथ लाए पॉलीथीन को कूड़ेदान में फेंक दिया। नगर निगम ने मंदिर परिसर में विशेष अभियान चलाते हुए जीरो वेस्ट कार्यक्रम के लिए जागरूकता किया गया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु प्रतिबंधित पॉलीथीन में खिचड़ी चढ़ाने के लिए लेकर पहुंचे। ऐसे श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ऐसे पॉलीथीन के इस्तेमाल करने पर जुर्माना का प्रावधान है, जबकि जीपीए लगी वाहनों से इन्होंने परिसर में एकत्रित होने वाले कूड़े को निस्तारण के लिए मुस्तैद दिखे। मंदिर परिसर में बने कैंप कार्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।